चोरी या लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंचने में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए मददगार साबित होते हैं। लेकिन शहर में 5 दिन पहले एक ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की जांच फिलहाल निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर टिकी है। 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अज्ञात चोर का कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आपको बता दें कि सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 3 जनवरी की शाम एक शख्स अंगूठी खरीदने के नाम पर दुकान पर पहुंचा। दुकानदार और कर्मचारी का ध्यान भटकाकर पलक झपकते ही 3 हार से भरा डब्बा और एक अंगूठी लेकर रफूचक्कर हो गया। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपी की धरपकड़ के लिए कोतवाली, भरवेली और नवेगांव थाने की 6 टीमें गठित की गई, जो मामले के हर पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि लंबे समय से शहर के चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद रहने से पुलिस को इस मामले को सुलझाने में मुश्किलें हो रही हैं। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले तक कोतवाली, भरवेली और नवेगांव क्षेत्र के चौक चौराहों पर लगे 203 सीसीटीवी कैमरों में से 165 बंद थे, तो 35 कैमरे ही काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के सीसीटीवी कैमरों को सुधारने के संबंध में भोपाल स्तर पर कार्रवाई होगी और इसके लिए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा पत्राचार भी किया गया है। सर, विगत दिनों सराफा में चोरी थी, सर अभी इसमें क्या लोकेशन कर रहा है, कितनी टीमें काम कर रही है? पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस की टीमें तीनों विभिन्न थानों से हमने जो लगाई हुई है, कुल मिलाकर 6 टीमें लगातार इसमें काम कर रही है। इसमें शहर के चारों तरफ के प्राइवेट प्रतिष्ठानों के फुटेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं। किसी भी स्तर पे अगर संदेही के बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो हम उसके बारे में आगे कार्रवाई करेंगे। हमने मोबाइल का अलग अलग डेटा भी निकलवाया हुआ PSTN, तो उसको भी हम एनालाइज करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने कैमरे अभी तक आपने देखे सीसीटीवी? ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को अभी तक चेक कर लिया है और आगे भी लगातार चेक कर रहे हैं। सर, इसमें देखने वाली एक बात है कि जो पुलिस के जो कैमरे लगे हैं चौक चौराहे पे वो बंद है, जिसकी वजह से जो है आरोपी को पकड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। इसमें संबंधित स्तर भोपाल स्तर से कार्रवाई होनी है, तो SP सर के द्वारा इसमें पत्राचार किया गया है और उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।